गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी एंड दिस इज पोस्ट इफेक्ट्स ऑफ लड़ी लड़ी लड़ी। गुड मॉर्निंग। हाँ जी, क्या स्टेटस है जी आपका? चश्मा सिमरन तुम्हें नहीं देखना है, तुम्हें लोग देख रहे हैं, तुम बोल सकते हो। लेंस तो दिखना चाहिए। ये भाई साहब को क्या हुआ है? ये भाई साहब ने जो काइट छुड़ाई ना एकदम ठंड में, और फिर वो जो आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा जाके कार वॉश भी किया ठंड में, इनको बहुत घूमने का शौक था तो पड़ गए बीमार। भाई साहब को हो गया बुखार 102, और अभी भाई साहब क्योंकि आज हमने जाना है, अपनी तैयारी कर रहे हैं, अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये स्टीम चल रही है यहाँ पे ग्रीन कैप्सूल के साथ। हाँ जी, और कुछ कहना चाहेंगे आप? हाल फिलहाल क्या प्रोग्राम है? पेट डायलॉग ऑफ सिमरन, आवाज निकल नहीं रही है। मैं बोल देती हूँ, मैं वॉइस ओवर कर देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। बुखार तो अभी मेरा ठीक हो गया, 97 पे पहुंच गया, 98 हो गया होगा, ठीक है। तो मतलब बॉडी टेम्परेचर इज फाइन, गुड टू गो, बट दी नोज का जो दिक्कत आ गई, गले की भी दिक्कत आ गई। थोड़ी देर में मैं ठीक हो जाऊंगा, फिर हम चलेंगे पठान। ये वी आर गोइंग टू पठानकोट। सो अभी जी लगभग 1 बज रहे हैं और हम निकल रहे हैं अपनी साइट के लिए। पठानकोट जाने से पहले 2 साइट विजिट्स करनी थी हमने, और तबीयत की बात करें तो यार एक चीज़ मैंने देखी है कि जब भी आपका नाक वगैरह बंद हो ना तो एक ग्रीन कलर की टेबलेट आती है, जहाँ तो उसे हैंकी में डाल के सूंघ लो, जहाँ तो उसे पानी में डाल के सूंघ लो, जो भी स्टीम कैप्सूल आते हैं। भाई साहब मैंने सुबह ली ना वो स्टीम, एक ही झटके में नाक खुले, जितनी कंजेशन थी ना नोज में मेरे, ऑलमोस्ट लगा ली 50% तो फर्क पड़ा ही पड़ा है। बट हाँ, अभी भी उतना कुछ खास नहीं कह सकते, बट हाँ पड़ जाएगा। तो अभी हमने खाया पिया भी कुछ नहीं, तो पहले साइट पे जाएंगे, फिर खाए पिएंगे, फिर निकलेंगे पठानकोट की तरफ। और पठानकोट निकलते निकलते हमारी एक और साइट विजिट है, ठीक है, वो भी कर लेंगे। और आज का प्रोग्राम कुछ ऐसा है कि जो भाई साहब है हमारे ऋषभ मोहिंद्रा, पता नहीं किया कि नहीं, कहता तो है, बोल तो वो रहे हैं कि उन्होंने थोड़ा सेटअप वगैरह किया है, रात को बॉनफायर करेंगे, गाना बजाना करेंगे, हारमोनियम भी हमने लेके जाना है, हर एक चीज। ये हमने भजन कीर्तन करने वाले भी बुलाए हैं, मैडम सुगंधा मोहिंद्रा ये भजन कीर्तन करेंगे देसी स्टाइल में, मॉडर्न स्टाइल में कर लेंगे, कोई बात नहीं। वी आर गोइंग टू हैव अ बॉनफायर नाइट आउट, नाइट इन ऑन द टेरेस। सो ओके जी, मिलते हैं अब आपको, बाय। टाइम हो गया है 3 और वी आर टेकिंग द बेस्ट मोड ऑफ माय लाइफ which takes me to my home. Driver saab, so how's the josh? Not so high, but okay. तो अभी जी ये अमृतसर का टोल टैक्स जो पठानकोट की तरफ पहला आता है, अमृतसर टू पठानकोट, वहाँ पे हम चले। पर यहाँ पे यार भीड़ इतनी लग रखी है तो इनको क्लियर ऑफ करना चाहिए, तो ये क्लियर ऑफ नहीं कर रहे, अभी भी काटने लगे हुए हैं। तो आई थिंक आई हैड हर्ड समवेयर कि अगर 2 मिनट तक आप ऐसे ही रहते हो, ठीक है, कुछ येलो लाइन होती है इधर, तो दे शुड लेट यू गो, ये फ्लश करना होता है सारा का सारा ट्रैफिक, बट अभी ये फ्लश कर नहीं रहे। So you're gonna fight? Just have a look. How much is the time? It is 3:18. So let's see what happens. एक बारी बात करके तो जरूर देखेंगे इनसे। तो यार ये हमने एक ना आर्टिकल ढूंढ निकाला है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कि नो टोल टैक्स टू बी पेड इफ द वेटिंग टाइम एक्सीड्स 10 सेकंड्स। और हर एक टोल टैक्स पे ना 100 मीटर पहले एक येलो लाइन उन्होंने ड्रॉ कर रखी है, और अगर वहां तक क्यू अप हो जाए तो दे हैव टू फ्लश द ट्रैफिक, ना कि टेक द टोल। तो अभी इनसे बात करते, देखते क्या बनता है। इट इज, आप देखिए हमें तो इन्होंने जाने दिया, बट बाकी ट्रैफिक ये मतलब मार्जिन सबसे टोल टैक्स लेके ही छोड़ रहे हैं। दे आर गोइंग टू टेक टोल टैक्स फ्रॉम ईच एंड एवरी वन। कम से कम 200-300 मीटर की लाइन होगी, बट इन्होंने लेना ही लेना टोल टैक्स। भाई यही सब है यार, भाई हिंदुस्तान में ना यही सब है, मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने रूल्स तो बना दिए हैं बट फॉलो करने वाला कोई नहीं है। चलो चलते,
तो अभी यार एक काम करने लगे, आज ना हमें थोड़ी जल्दी है तो गाड़ी खींच के चलाएंगे, अभी पेट्रोल भरवा ले, फिर आपको ना इसकी एवरेज भी बताएंगे कि 100 किलोमीटर पर आवर पे चलाने के बाद ये गाड़ी कितनी एवरेज देती है। पहले पेट्रोल भरवा ले और फिर आपको बताते हैं। इट्स डीजल, वही डीजल यार, भूल जाता हूं यार। सो अभी यार डीजल हमने डलवा लिया और अभी ये जो रीडिंग है आपके सामने हम जीरो कर रहे हैं, ये भी जीरो कर दी, इसकी जो पुरानी रीडिंग थी ये भी जीरो कर दी, और पुराना जो मैंने डलवाया था उसमें 718 चली है फुल पे, और 18 किलोमीटर पर लीटर की इसने एवरेज दी है। सो अभी यार आज का दिन ना हमें बहुत ही मतलब कह लीजिए लेट हो रहा है, तो आज हम इसे थोड़ा खींच के चलाएंगे गाड़ी को, और खींच के चलाने के लिए अच्छा भी है क्योंकि गाड़ी पिछले दिनों चली नहीं है, तो जितना भी डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर में कार्बन जमा होगा वो भी निकल जाएगा, और आपको आज इसकी एवरेज भी बता देंगे यार कितनी एवरेज देती है अगर गाड़ी खींच के चलाई जाए तो। देखते ही देखते अंधेरा हो गया, रात होगी पता भी नहीं लगा, इतनी लंबी साइट विजिट चली है हमारी, मीटिंग चली अच्छी काफी, 8:30 हो रहे हैं, 4 बजे हम पहुंचे थे अपनी विजिट पे, और वी आर गोइंग होम नाउ। द बेस्ट पार्ट ऑफ द मीटिंग वाज दैट एक छोटा सा पपी मिला हमें, ऑलमोस्ट 5-6 दिन का कह रहे थे, कितने का कह रहे थे? नहीं 1 month का था, पर इतू सा था, इतू सा जर्मन शेफर्ड बड़ा प्यारा था, तो अब हम सीधा मिलते हैं जी आपको घर पहुंच के, एंड वी आर गोना मीट अ बेला, हमारे पास बहुत बड़ा डॉगी है उसको जाके मिलेंगे, एंड वी आर गोना हैव अ नाइट पार्टी। That is not sure, but we will see. पता नहीं रिशु ने अरेंजमेंट किया होगा तो, that's a bonfire जो सिमरन रिशु ने अपना देसी तरीके का कुछ अरेंज किया है। So विदी almost हम घर पहुंचने ही वाले हैं, और हमने ये गाड़ी आप लगा लीजिए लगभग 90 किलोमीटर चला दी है, खींच के मतलब कह सकते हैं हाँ 90, एवरेज स्पीड 90 पे चलाई होगी मैंने, 90-80-100 मोस्टली 90 पे चली है गाड़ी, बट फिर भी यार इसने एवरेज हमें 25 किलोमीटर टू अ लीटर की दे दी है, MID जो दिखा रही है, दैट इज फेयरली गुड एनाफ, गुड एनाफ। अभी भी लोड़ी बाल के बैठी है। मत ले लड़ा होगी। बेला को मिल शांति शांति प्यार से मिल रहे हैं। ये हमारी बेला ये मेरी मम्मी ने अपने हाथों से बनाया है, लेट्स टेस्ट द टेस्ट। मम्मा शक्ल देख रहा है जरा से ब्रेक की चिमन भाजी था वो बंद कर दे इसको, नीचे जा रहा धुआं। रवि जी आग तो हमने यहाँ पे जला ली अपनी, अब भाई पर हुआ क्या है क्योंकि इंडोर में जलाइए तो सब धुआं धुआं हो गया, तो धुआं बाहर भगाने के लिए हमने वो एग्जॉस्ट फैन भी एक पंखा लगा रखा है उधर, ये हमारे आगे हारमोनियम वाले। अच्छा, चल बजा फटाफट। अच्छा। हाँ चल फटाफट एक सुर लगा दे। चल एक सुर लगा दिया जाए। हाँ You're now connected to the boat party.